अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स वीकेंड सेशन, जिसमें हम वॉल्यूम लीडर्स को और हमारे जो कमेंट सेक्शन के स्टॉक्स होते हैं स्पेसिफिकली उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे बाइको पेट्रोलियम्स को, उसके बाद हम नेटवर्क को, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे साजगार इंजीनियरिंग को। स्टार्ट करेंगे बाइको से। बाइको की अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन को देखें तो ये ओपन हुआ 9.46 पे, 10.40 का इसने हाई देखा, लो देखा 9.46 का, और क्लोज हुआ 10.30 पे। 90 पैसे का गेन है जो ट्रांसलेट होता है 9.57% पे। हमने देखा कि एक इंपॉर्टेंट लेवल इसने अचीव किया और वहाँ के बाद इसके पास एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ और इसमें अच्छे वॉल्यूम्स भी आए। बाय सिग्नल इसका इंटैक्ट है, RSI 65 पे है, और रेजिस्टेंस अगर हम डेली चार्ट्स पे पहली देखें तो 10.73 रुपये की पहली रेजिस्टेंस, और उसके बाद 11.81 रुपये की रेजिस्टेंस हमें जो है वो बाइको में नज़र आ रही है। सपोर्ट साइड की बात करें तो 9.73 रुपये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे आपकी सपोर्ट अवेलेबल है, और उसके बाद 9.42 रुपये पे आपकी सपोर्ट अवेलेबल है बाइको की डेली टर्म्स में। अगर वीकली लेवल्स हम देखें बाइको के, तो बाइको ने वीक ओपन किया था 9.45 पे, हाई देखा 10.40 का, लो देखा 9.10 का, और क्लोज हुआ 10.30 पे। 99 पैसे का ये गेन है जो कि 10.63% बनता है। आपका जो एक प्रेशर था इसमें सेलिंग का या कंसोलिडेशन का, वो कंप्लीट होता हुआ हमें लास्ट वीक में नज़र आया, और 58 पे RSI अभी अवेलेबल है। वीकली बेसिस पे भी इसका करीब है कि जो है बाय सिग्नल जनरेट हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जो हमें मिलेगी वो 10.84 रुपये वीकली रेजिस्टेंस, उसके बाद 11.25 रुपये की रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे हमें मिलेगी। अगर सपोर्ट की बात करें तो 9.44 की बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे पास वीकली बेसिस पे अवेलेबल है, फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो है अगर 9.44 को तोड़ा तो फिर 8.88 को एक्सपोज करेगा। उम्मीद है कि ये 10.84 को जो है वो टारगेट जो है बहुत ईजिली कर लेगा वीकली बेसिस पे भी, और उसके बाद 11.25 रुपये का लेवल अपने लिए ओपन करेगा। बाइको के बाद हमारे पास हम नेटवर्क है। हम नेटवर्क की अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन हम देखें तो बाय सिग्नल हमारे पास जनरेट हुआ RSI 61 पे है, और आपका जो सिचुएशन थी इसकी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वो ये ओपन हुआ था 7.05 पे, हाई देखा 7.80 का, लो देखा 7.01 का, और क्लोज हुआ 7.61 पे। 0.60 का ये गेन है जो ट्रांसलेट होता है 8.56% पे डेली टर्म्स में, और अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो 8.02 का रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, और उसके बाद 8.46 का डेली चार्ट्स पे हमारे पास रेजिस्टेंस बनती है। सपोर्ट की बात करें तो 6.97 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल टू होल्ड। 6.97 की पहली सपोर्ट है हमारे पास, और उसके बाद 6.75 की जो है वो सपोर्ट लेवल हमारे पास अवेलेबल है, और बाय सिग्नल्स अभी इंटैक्ट हैं। वीकली बेसिस पे हम नेटवर्क की अगर बात करें तो वीक इसने ओपन किया था 6.65 पे, हाई देखा 7.80 का, लो देखा 6 का, और क्लोज हुआ 7.61 पे। 1.12 रुपये का गेन है जो ट्रांसलेट होता है 17.26% पे वीक ऑन वीक बेसिस पे। RSI आपका 54 पे है, वीकली बाय सिग्नल जनरेट हुआ है हमारे पास, और रेजिस्टेंस जो है 8.32 पे वीकली जो है हमें नज़र आ रही है, और उसके बाद 10.02 की रेजिस्टेंस लेवल बनता है। सपोर्ट की बात करें तो 6.60 रुपये की जो है आपके पास बड़ी अच्छी सपोर्ट अवेलेबल है। ये आपकी कोई भी अगर इस पर सेलिंग आएगी तो यहाँ तक लिमिटेड हो सकती है, लेकिन अगर 6.61 से नीचे ये आपको वीकली क्लोजिंग दे उसी सूरत में जो है ये 5.41 को जो है एक्सपोज कर सकता है। RSI इसके ठीक है, MACD के बाय सिग्नल्स भी इंटैक्ट हैं, इस वजह से इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इसमें जो है अपसाइड मोमेंटम मजीद जनरेट होता हुआ देखेंगे। साजगार इंजीनियरिंग आता है हम नेटवर्क के बाद हमारे पास। साजगार इंजीनियरिंग की अगर बात करें और लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखें तो इसने एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान ऑपरेट करने की कोशिश की, दोनों साइड को ग्रिल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी साइड पे सस्टेनेबल मूव नहीं बना सका। इसने ओपन किया था 182.75 पे, हाई देखा 186.30 का, लो देखा 180.01 का, और क्लोज हुआ 182.48 पे। 1.44 रुपये का गेन है जो ट्रांसलेट होता है 0.80% पे। डाउन साइड इसकी जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई है, हिस्टोग्राम्स ने प्रेशर लूज करना स्टार्ट कर दिया है डाउन साइड का, वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए हैं, 47 का RSI है, और इंपॉर्टेंट ये है कि ये 185.84 रुपये से ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, ये इमीडिएट इसकी रेजिस्टेंस बनती है, और इसको होल्ड करने की सूरत में 191.08 का टारगेट बनेगा, और उसके बाद 196.31 का बनेगा। लेकिन अगर ये 181.32 रुपये को तोड़ देता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, तो फिर इसकी सपोर्ट जो हमारे पास हमें नज़र आएगी वो 175.37 रुपये के करीब नज़र आएगी। वीकली बेसिस पे अगर साजगार इंजीनियरिंग को देखें तो अच्छा वीक इसने क्लोज किया, आपका RSI 54 पे है, ओपन हुआ था वीक हमारा 181.89 पे, 186.30 का हमने हाई देखा, लो देखा 175.66 का, और क्लोज हुआ 182.48 पे। 3.93 रुपीज़ का ये गेन बनता है जो कि ट्रांसलेट होता है 2.20% पे।
वीकली बेसिस की भी इसकी जो रेजिस्टेंस बनती है वो 188.67 पे पहली रेजिस्टेंस बनती है, और उसे क्रॉस करने की सूरत में ये जो है टारगेट करेगा 203 रुपये 70 पैसे को। अगर सपोर्ट की हम वीकली सपोर्ट की बात करें तो 172 रुपये 8 पैसे पे हमारी पहली वीकली सपोर्ट है, और इससे जब तक ये ऊपर सस्टेन करता रहेगा, इससे ऊपर ट्रेड करता रहेगा, तब तक ये रेजिस्टेंस को जो है वो टारगेट करता रहेगा। लेकिन अगर 172 रुपये 8 पैसे को ये तोड़ देता है तो फिर 155 रुपये 30 पैसे को ये एक्सपोज करना स्टार्ट कर देगा। तो डेली लेवल्स पे अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट लेवल जो मैंने आपको बताया है 185.84 का, ये अचीव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी अपसाइड पोटेंशियल की कंटिन्यूशन के लिए। दिस वुड बी ऑल फॉर दिस सेशन। उम्मीद है कि वी हैव हेल्प यू इन सम हाउ अप टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, और अगर आपको लगता है कि वी आर एडिंग एनी वैल्यू टुवर्ड्स योर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज, तो आई रिकमेंड कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली मैनर में आपको मिलती रहे। अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।